वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन के बारे में, यानी कि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन आता कहाँ से है। तो उसका जो फर्स्ट है वो है कंटामिनेटेड सॉइल और कंटामिनेटेड वाटर। कंटामिनेटेड सॉइल यानी कि कुछ वेजिटेबल्स जो है वो सॉइल में होती है और वो रो सब्जियाँ खाने से हमें इन्फेक्शन हो सकता है। एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स और ट्राइचुरियस ट्राइचुरिया से ये कंटामिनेटेड सॉइल का इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा है कंटामिनेटेड वाटर। तो कंटामिनेटेड वाटर पीने से एंट एमोइबा हिस्टोलाइटिका और जियार्डिया नामलिया से इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है फ्रेश वाटर फीसिस खाने से डाइफाइलोबोथिलियम लेटम एंड क्लोरोन की साइनेसिस का इन्फेक्शन लग सकता है। नेक्स्ट है क्रैब और क्रैफिश खाने से हमें पैराग्वानिमस वेस्टरमानी से इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है रो एंड अंडर कुक पोर्क और बीफ यानी के मटन, कच्चा मटन या फिर अंडर कुक जो ठीक से पका नहीं हो वैसा मटन यानी के मांस खाने से हमें टी सोलियम या टी साजिनाटा का जो इन्फेक्शन है वो लग सकता है। वैसे ही ब्लड सकिंग इंसेक्ट जैसे कि मस्कीटो है वो अगर हमें बाइट करेगा तो मलेरिया होगा, और सैंड फ्लाई है उससे हमें काला आजार होगा। वैसे ही अगर डॉग और कैट, बच्चे डॉग और कैट से खेलते हैं तो डॉग और कैट के डायरेक्टली कांटेक्ट में आने से उसके अंदर जो इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस और टॉक्सोप्लाज्मा गोनेडी के जो पैरासाइट होते हैं वो बच्चों के अंदर आ सकते हैं। मैन इज़ द मेन सोर्स ऑफ ई हिस्टोलाइटिका। मैन जो है वो मेन सोर्स है ई हिस्टोलाइटिका के वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसके लिए। दूसरा है ऑटो इन्फेक्शन, यानी कि वो पैरासाइट जो है वो बॉडी के अंदर रहता है और कभी भी बॉडी को कोस कर सकता है। इसीलिए ई वर्मिकुलरिस जो है वो बॉडी के अंदर रह के ही बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। अब हम लोग जानेंगे मोड ऑफ इन्फेक्शन के बारे में कि ये जो इन्फेक्शन है हमें कहाँ कहाँ से बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। तो फर्स्ट है फीकल ओरल रूट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। फीकल ओरल रूट यानी के मुंह के थ्रू, माउथ के थ्रू हम लोग फूड या वाटर कंज्यूम करते हैं तो उससे कंटामिनेटेड वाटर और कंटामिनेटेड फूड के थ्रू जो पैरासाइट है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। और उसमें एक मैंने दिखाया है सॉइल फिंगर। सॉइल फिंगर यानी के बच्चे जो मिट्टी वाले हाथ मुंह में डालेंगे या फिर जो गार्डनर है उसके अंदर ये जो इन्फेक्शन है वो हो सकता है। दूसरे कितने इंटेस्टाइनल पैरासाइट जो है वो भी माउथ के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। दूसरा है स्किन ट्रांसमिशन। स्किन ट्रांसमिशन भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। स्किन ट्रांसमिटन यानी के जो हम लोग खुले पैर यानी के बैर फुट चलते हैं तो ये जो पैरासाइट है मतलब के हुक वॉर्म्स है वो खुले पग के अंदर अपनी स्किन के अंदर पेनिट्रेट होके स्किन के अंदर से बॉडी के अंदर आ जाते हैं और इन्फेक्शन करते हैं। उसके एग्जांपल हैं ए डियोडेनाले और एस टर्कोरालिस। थर्ड जो है वो है डायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन यानी के सेक्सुअल इंटरकोर्स और किस करने से एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन है वो एंटर हो जाएगा। और कंटामिनेटेड ड्रिंक करने से भी हमारे अंदर पैरासाइटिक इन्फेक्शन आ सकता है। नेक्स्ट है कंजेनाइटल। कंजेनाइटल यानी के मदर के थ्रू फीटस के अंदर वो जो इन्फेक्शन है वो आ जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर मदर को एचआईवी हो तो उसके बेबी के अंदर भी एचआईवी आते हैं, वैसे ही कितने पैरासाइटिक इन्फेक्शन अगर मदर के अंदर प्रेजेंट हैं तो वो उसके फीटस के अंदर भी आ जाएंगे। नेक्स्ट है इन्हेलेशन। इन्हेलेशन यानी के एयरबोर्न एग्स यानी के जो पैरासाइट्स के जो एग्स हैं वो एयर के अंदर रहते हैं। अगर हम वो ऐसी कंटामिनेटेड एयर अगर इनहेल करते हैं तो वो पैरासाइटिक इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट है इंट्रोजेनिक इन्फेक्शन। इंट्रोजेनिक इन्फेक्शन यानी के जो हॉस्पिटल के थ्रू हमको इन्फेक्शन होगा। हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तब हम इन्फेक्शियस नहीं रहते, पर जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो हमें इन्फेक्शन लग जाता है। तो वो कैसे लगता है, जैसे कोई किसी ने हमारी बॉडी के अंदर कंटामिनेटेड सिरिंज या फिर कंटामिनेटेड नीडल इंजेक्ट की तो ये जो इन्फेक्शन है वो हमारे अंदर आ जाएगा। और दूसरा है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। किसी पैरासाइटिक इन्फेक्शन वाले पर्सन का ब्लड अगर किसी और को चढ़ाया जाएगा तो भी उसके अंदर जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन है वो एंटर हो जाता है।
अब हम लोग देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन पैरासाइट कि ह्यूमन पैरासाइट की लाइफ साइकिल देखते हैं। ह्यूमन पैरासाइट की जो लाइफ साइकिल है वो दो टाइप की होती है, एक है डायरेक्ट लाइफ साइकिल और दूसरी है इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल। डायरेक्ट लाइफ साइकिल में क्या होता है, जो पैरासाइट है उसे उसकी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए या फिर फुल डेवलपमेंट के लिए किसी भी एक ही होस्ट की जरूर होती है। और इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल के अंदर क्या होता है कि जो पैरासाइट है उसे उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए या फिर उसकी जो लाइफ है पूरी डेवलप करने के लिए एक से ज़्यादा होस्ट की ज़रूर होती है, उसे हम लोग कहेंगे इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल। अब हम लोग देखते हैं पैथोजेनिसिटी, यानी कि पैरासाइट जो है वो बॉडी के अंदर आ तो गया है, बॉडी के अंदर खा पी रहा है, डेवलप हो रहा है, लेकिन बॉडी के अंदर वो क्या कॉज करेगा वो हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट है ट्रॉमेटिक डैमेज। ट्रॉमेटिक डैमेज के अंदर क्या होगा कि वो हमें अंदर से बॉडी के अंदर फिजिकल डैमेज करेगा। दूसरा है लाइटिक नेक्रोसिस। लाइटिक नेक्रोसिस में जो ई इसोलाइटिका है वो लाइटिक एंजाइम बॉडी के अंदर सीक्रेट करेगा। लाइटिक एंजाइम जो सीक्रेट करता है उसकी वजह से बॉडी के अंदर जो टिश्यू है वो लाइस हो जाते हैं और यही लाइस टिश्यू के अंदर से ई इसोलाइटिका है वो नरिशमेंट कलेक्ट करता है। नेक्स्ट है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। तो बॉडी के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन और दूसरे कितने ऑर्गन होते हैं उसके अंदर इन्फ्लामेशन क्रिएट हो जाता है। दूसरा है एलर्जिक मैनिफेस्टेशन। एलर्जिक मैनिफेस्टेशन के वजह से जो स्किन है हमारी वो रेडिश हो जाती है। और लास्ट में है नियोप्लाशिया। अब हम लोग देखते हैं ये जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन है हमें पता चल गया, लेकिन उसका लैब डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो लैब डायग्नोसिस जो है वो मेनली तीन टाइप का होता है, एक है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पैरासाइट, दूसरा है इम्यूनो डायग्नोसिस और लास्ट जो है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल मेथड। तो पहला हम लोग देखते हैं डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पैरासाइट। तो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पैरासाइट में हम लोग पहले ब्लड की जो फिल्म है वो डायग्नोस करते हैं। ब्लड की फिल्म डायग्नोसिस करने के वजह से उसके अंदर हमें प्लाज्मोडियम स्पीसीज और वुस्टेरेरिया बैनक्रॉफ्टी की स्पीसीज जो है वो देखने मिलती है। अगर हमें मलेरिया हुआ है तो ब्लड की फिल्म के अंदर हमें प्लाज्मोडियम स्पीसीज के पैरासाइट दिखेंगे, और अगर हमें फाइलेरिया यानी कि एलिफेंटाइटिस हुआ है तो वो ब्लड फिल्म के अंदर हमें वुस्टेरेरिया बैनक्रॉफ्टी दिखेगा। दूसरा जो है वो स्पेसिमेन स्टूल स्पेसिमेन है। स्टूल स्पेसिमेन यूज होता है इंटेस्टाइनल पैरासाइटिक इन्फेक्शन और हेलमिन के वजह से जो इन्फेक्शन होता है बाइलरी ट्रैक के अंदर उसे डायग्नोसिस करने के लिए। उसके एग्जांपल है जीआरडिया लाम्बलिया और ई हिस्टोलाइटिका। नेक्स्ट जो है वो है पेरिएनल और पेरिनियल स्किन को स्क्रैपिंग करने से अगर हम फिल्म बनाते हैं तो उसके अंदर हमें एग्स और एडल्ट वॉर्म दिखेंगे ई वर्मिकुलरिस के। फिर दूसरा है यूरिन सैंपल। यूरिन सैंपल यूज़ होता है पैरासाइटोलॉजिकल डायग्नोसिस के लिए। अगर बॉडी के अंदर एस हीमेटोबियम के एक्स है तो वो हमें यूरिन के अंदर दिख सकते हैं। दूसरा है जेनाइटल स्पेसिमेन, यानी कि जो वजाइनल और यूरेथ्रल डिस्चार्ज जो होता है उसके अंदर हमें ट्रोफोजॉइट ऑफ वजाइनालिस यानी कि टी वजाइनालिस के ट्रोफोजॉइट देखने मिलते हैं। दूसरा स्पेसिमेन है स्पूटम। स्पूटम के अंदर पी वेस्टरमानी के एक्स, ए ल्यूम्ब्रिकॉइड्स और ए स्टारकोरलिस के लार्वा और ई हिस्टोलाइटिका के ट्रोफोजॉइट देखने मिलते हैं। वैसे ही टिश्यू बायोप्सी और एस्पिरेशन की जो टेक्निक है वो पैरासाइटिक इन्फेक्शन के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूजफुल होती है। वैसे ही एनिमल इनोकुलेशन और कल्चर भी पैरासाइट और पैरासाइटिक के स्पेसीज को डिटेक्ट करने के लिए यूजफुल होते हैं। इम्यूनो डायग्नोसिस में मेनली एंटीजन और एंटीबॉडी डिटेक्शन किया जाता है। उसके अंदर होती है स्किन टेस्ट। स्किन टेस्ट के अंदर हम इम्यून रिएक्शन टेस्ट कर सकते हैं। फिर जो दूसरा है वो है एक्सरे सीटी स्कैन, उससे भी हम लोग पैरासाइटिक इन्फेक्शन का डायग्नोस कर सकते हैं। और लास्ट की जो मेथड है वो है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस PCR यानी कि पॉलीमर चेन रिएक्शन और DNA प्रॉप टेक्निक से हम लोग जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन है उसका डायग्नोस कर सकते हैं। अब लास्ट में इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन का लैब डायग्नोसिस भी हो गया, अब हमें उसकी ट्रीटमेंट करनी है। तो ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो ट्रीटमेंट के लिए एंटी पैरासाइटिक ड्रग जैसे कि क्लोरोक्विनोन, मीबेंडेजोल और अल्बेंडाजोल का यूज़ होता है।